नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं लेकिन हमेशा के लिए एक दर्द छोड़ जाते हैं। आज के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब कुछ पुराने पाप उभर कर नए रूप में सामने आए तो उन्होंने कई जिंदगियों को जुर्म की चपेट में ले लिया। शादी कर ले उससे, लेकिन सोना मत, उसके साथ सोई ना तो फिर देख लेना। बाबा। तू तो कह रहा था शादी नहीं करेगा। अरे यार, करनी पड़ रही है, बाबा नहीं मान रहे थे। आओ सुन भाई, यह है तुम्हारा घर। आज गोकुल की माँ होती तो करती सारे रीति रिवाज, मैं तो स्वागत ही कर सकता हूँ। क्या साला, सबकी शादी में तू बाल्टी भर के दारू पीती और खुद की बारी आई तो बात तक नहीं किया, सीधा घुस गया घर में। देख भाई, अपने को ना फुल टू पीने का है। चल चल, ठीक है। आउट मत होना, समझा ना भाई लोग। गोकुल गोकुल गोकुल, आज क्या हुआ है? सरदर्द है। एक और बहाना, 15 दिन हो गए हमारी शादी को, अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की? थक गया हूं तुम्हारे बहाने सुन सुन के, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द। बहाना नहीं आओ, सच में दर्द है। आओ चाह। हेलो, हाँ साहब, चलेंगे ना साहब? हो साहब, मैं अभी निकलता हूँ, मुंबई का भाड़ा है, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। और वैसे भी आज की रात मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लौकर कहाँ जा रहे? मुंबई जा रहा हूँ बाबा। अच्छा, सीधे जा और सीधे आ, दोस्तों के साथ बैठने आने कहीं। और कितने बजे तक आएगा? 11 बजे तक लौट आऊंगा बाबा। नहीं आया तुम्हारे पास भी? ठीक है, अगर वो आया या उसका फोन है तो मुझे फोन करके बता देना। उमेश कह रहा है उसके घर पे भी नहीं आया। कहाँ का भाड़ा लेकर गया था? साहब बोल के गया था कि मुंबई का भाड़ा है, रात को 11 बजे तक लौट आएगा। कल सुबह से गया है सब, अब तक नहीं आया। आप गोकुल की फोटो दीजिए, उसकी गाड़ी का नंबर भी, हम पता करते हैं। जी ये। किशोरी और चंद्रकांत ने गोकुल को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो रोज इस आस में पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते कि शायद उन्हें गोकुल की कोई खबर मिल जाए, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा ही लगती। गोकुल की कोई जानकारी मिली? वही कह रहे थे, अभी तक कुछ पता नहीं चला। सब मेरी गलती है, मैं ही मनहूस हूं, मेरी कुंडली में ही कोई दोष है। समय बीतता गया लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद गोकुल का कुछ पता नहीं चला। ना ही गोकुल की टैक्सी मिली और ना ही उसका कोई नामो निशान। गोकुल की पहचान समय की रेत में ढक कर रह गई और उसकी फाइल भी पुलिस स्टेशन में नए केसेस के नीचे दब गई। Thank you.
किशोरी क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हो तुम? कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें कि रोहन को खुद का काम खुद करने दो। स्पेशल स्कूल में दाखला करवाया इसका मैंने, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास इलाज करवा रहा हूँ कि ठीक हो जाए मेरा लड़का, लेकिन तुम हो के उसे खुद से उभरने ही नहीं दे रही। देख मेरा बेटा है, मेरा दिलीप महाजन का, वो खुद का काम खुद करेगा, खुद स्कूल में जाएगा, तैयार होगा, खुद अपने हाथ से दूध पिएगा। समझ तो ना तुला। हाँ बोल। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ठेव। वो वागमारे को बोल के रेती का ट्रक छुड़ाने के लिए बोलो, साइड पे काम अटका हुआ है। ए बाजी शूटिंग शूटिंग। चलो पापा ना उशीर होते, ओके चॉकलेट खाते हो, चलो बाय 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 बाय। अबे सुनील तू? चंदर कैसा है रे? अरे पर तू था किधर इतने सालों के बाद दिखाए? मुंबई में था यार, एक फैक्ट्री में, मोबाइल की फैक्ट्री में। पर अभी अपने को मुंबई में जमता नहीं तो अपन इधर वापस आ गए। वो जो अपना औंध के पास एक नया मॉल खुला है ना, उधर अपना मोबाइल का शॉप डालेगा, इधर ही रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे अकेला है इधर, हम लोग के साथ नहीं लाया? शादी वीदी किया किधर है? अभी सोचता है करेगा। वैसे इधर सब ठीक है ना? कोई आया गया तो नहीं? आएगा कैसे, अपन इधर था ही नहीं। किशोरी आज वो पीछा करते करते घर तक आ गया, अभी भी बाहर ही खड़ा है। कोई भी तो नहीं बाहर? हमी सांगते है ना, अब भी बाहर था वो। तेरे दिमाग के अंदर प्रॉब्लम है किशोरी, तुझे ऐसा बार बार लगता है कि कोई पीछा कर रहा है, लेकिन क्यों करेगा तेरा पीछा कोई? लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ ना, उस दिन जब मैं अगरबत्ती लेने गई थी तब भी वो मेरा पीछा कर रहा था। चल मैं मंगला संग तुम्हारे साथ जाएगा जहाँ जाना होगा। उसकी जरूरत नहीं है, अगली बार किसी ने मेरा पीछा किया तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी। अक्सर देखा गया है कि जब भी हमारे जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो हमारे प्रियजन, हमारे आसपास के लोग उसे बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन कभी कभी इन घटनाओं में लापरवाही बरतना बहुत भारी पड़ जाता है और हम बेवजह किसी ऐसी बड़ी घटना का शिकार हो जाते हैं जो हमारी सोच से भी परे होती है। अमन स्कूल से आते वक्त सीधे घर आ जाना, भाई खेलने मत लग जाना। ओके ओके आंटी, बाय। संगीता हाँ ताई, मैं मार्केट होकर आ रही हूँ, माधुरी का ध्यान रखना, मतलब जरा वेर लगे ना। जी थे आप, कब से आपको फोन कर रहे हैं?
अरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, पंजाला का इतनी क्यों परेशान है तू? रोहन बाबा अब तक स्कूल से नहीं लौटे हैं, तो साहब उनको स्कूल में देखने गए थे तो पता लगा कि वो स्कूल पहुंचे ही नहीं थे। पहुंचा नहीं मतलब? अरे नहीं रे, तिकड़े बगितला मी, तुम लोग डेपो के उतर जाओ, ठीक है? हाँ, मंगिया को भी बोलो। कहाँ थे तुम? तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा है। अरे मुझे नहीं पता, मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, पर रोहन को टाइम मिला? पता नहीं चला अभी तक उसका कुछ। सुनो ना, लेट नहीं करते, पुलिस स्टेशन चलते। संगीता घर का ध्यान रख, चल। रोहन घर से स्कूल पैदल जाता है? जी पैदल जाता है सर, उसका स्कूल हमारे घर के पास ही। वो हमारे मोहल्ले के ही दो बच्चे, अमन और अतुल, उनके साथ ही रोज स्कूल जाता है और वापस आता है। सर ये तीनों साथ में स्कूल जाता है, लेकिन रोहन का स्कूल पहले पड़ता है एक गली में, जहाँ से वो अकेले जाता है। सर मैं स्कूल गया तो पता चला कि रोहन आज स्कूल पहुंचा ही नहीं। कोई रिश्तेदार वगैरह उनके घर चला गया हो, पता किया आपने? सर ऐसे तो कोई रिश्तेदार है नहीं, लेकिन स्कूल के टाइम पे स्कूल ना जाकर रोहन अकेला कहीं क्यों जाएगा? आपको किसी पे शक है? किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। सब पिछले कुछ दिनों से कोई मेरा पीछा कर रहा है। जी सर, सर दो दिन पहले पुलिस स्टेशन आई थी और मुझे बताया भी था कि कोई इनका पीछा कर रहा है। सर सर एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। कौन है, आप जानती हैं उसे? नहीं मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन वो अभी भी बाहर खड़ा है। आइए मेरे साथ। कोई भी तो नहीं है मैडम? अभी यही खड़ा था वो। क्या हुआ, फिर किसी ने पीछा किया? हाँ ओ, आप कौन? ये मेरे पति हैं दिलीप महाजन, मैंने इन्हें फोन करके बुलाया। कौन पीछा कर रहा था आपको, चेहरा याद है? स्केच बनवा सकती हैं? मैंने कभी उसे ठीक से देखा नहीं, वो पूरी तरह सामने नहीं आता था। दिलीप जी, हाँ सर। आप काम क्या करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ सिविल। तो आपको किसी का फोन आया, आई मीन फिरौती के लिए? अभी तक तो नहीं सर। मेरा रोहन बहुत छोटा है सर, प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले हमें बताइए। सुहास, बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बहुत छोटा है, मोहल्ले के और दो बच्चों के साथ स्कूल जाता है, तो रास्ता भटकने का तो कोई चांस नहीं है। खैर तुम उन दोनों बच्चों और स्कूल से पता करो, देखो क्या पता चलता है। रमाकांत तुम रोहन के स्कूल से लेकर घर तक पूरा रास्ता चेक करो, साथ ही उसकी फोटो हर जगह सर्कुलेट करवाओ, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह सर्च करवाओ, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। रोहन को स्ट्रांग बनाओ, स्कूल अकेला भेजो, यही बोलते थे ना तुम? आता बगा, मेरे बेटे का किसी ने किडनैप कर लिया। किशोर तू ऐसा क्यों समझते है कि किसी ने किडनैप कर लिया उसे? देख देख पुलिस ढूंढ रही है उसे, मिल जाएगा वो। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा रोहन। हाँ अंकल, सुबह तो हम साथ ही गए थे, वो जो टर्निंग आती है ना, वहाँ से रोहन अपने स्कूल चला गया और फिर हम अपने स्कूल चले गए। और स्कूल छूटने के बाद? स्कूल छूटने के बाद वो टर्निंग पे हम वहाँ वेट कर रहे थे रोहन का, लेकिन फिर वो आया ही नहीं। बेटा अपन जब आप स्कूल जा रहे थे तब आपको ऐसा लगा कि कोई आपका पीछा कर रहा था? नहीं अंकल, ऐसा तो नहीं लगा। सुहास, बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके माँ बाप को हॉस्पिटल बुलाओ। रमाकांत सर, इस जंगल और आसपास के पूरे इलाके को स्कैन करो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ तुरंत। ओके सर। किशोर ये उसी
किसी का काम है। मार दियो उसे मेरे बच्चे को। मैंने पहले भी कहा था, किसी ने नहीं सुनी। रोहन की बॉडी हमें बकोरी पास के जंगल से मिली। हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दिलीप जी, मैं आपसे फिर एक बार पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा है जो आपको चोट पहुँचाना चाहता हो, आपकी किसी के साथ कोई निजी दुश्मनी हो, जो आपके बेटे रोहन को इस तरह से गला दबा के मारे? सर मैं सिंपल सा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? ये बगा, इथे मिसिंग कंप्लेंट की लाइन लग ली है, और वैसे भी सरकार 7 साल के बाद मृत्यु का अनुमान लगाकर केस को बंद कर देती है, और आपके केस को तो 9 साल हुए हैं। फिर आपका बेटा तो जवान था, अगर जिंदा होता तो लौट कर नहीं आता। लौट कर नहीं आएगा मतलब मर गया क्या? और अगर मर गया तो ऐसे पक्की खबर दो ना, तो फिर मैं बार बार आपके यहाँ नहीं आऊंगा। ग्यारह बजे तक लौट आऊंगा बाबा। स्टॉकर का कुछ पता चला? नहीं सर। अगर स्टॉकर ने ही किडनैप किया था और फिर मार दिया तो मकसद क्या था? कहीं कोई साइको किलर तो नहीं, क्योंकि फिरौती का भी कोई कॉल नहीं आया, और क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता तो जाहिर सी बात है कि चिल्लाया भी नहीं होगा। क्या पता किलर रोहन के माँ बाप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहता हो। ये दिलीप और किशोरी, इनकी पूरी छानबीन करो, हो सकता है इनके इर्द गिर्द हमें कोई क्लू मिल जाए। हाँ गणेश बोल। सर पाटिल नगर में एक चाय वाला है, उसका ऐसे कहना है उसने एक आदमी को रोहन और उसकी माँ का पीछा करते हुए और घूरते हुए देखा है। एक काम कर, इस चाय वाले को तुरंत थाने लेकर आ। बोल सुरेश, क्या देखा तुमने? साहब एक आदमी था जो मेरी दुकान पर चाय पीने के लिए आता था। ये फोटो जो दिखाई गणेश ने, ये लड़का और उसकी माँ को वो घूरता था और उन लोगों का पीछा करता था। कौन था वो आदमी? इससे पहले भी तेरी दुकान पे कभी आया है? नहीं साहब, वो कुछ दिनों से मेरी दुकान पे आ रहा था। शक्ल याद है? स्केच बनवा सकते हो? जितना याद है बता दूंगा साहब। सर ये वो स्टॉकर का स्केच है जो किशोरी और उसके बेटे रोहन का पीछा करते हुए देखा गया था। जगह जगह इसके पोस्टर लगवाओ, अपने खबरी नेटवर्क में भी सर्कुलेट करवाओ। इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। हाँ कुछ ऐसा ही था वो आदमी जो मेरा पीछा करता था, पर इसने रोहन को क्यों? किशोरी जी, आपने तो इसे देखते ही पहचान लिया, लेकिन जब पिछली बार हमने आपसे स्टॉकर का चेहरा पहचानने की बात की थी तो आपने इनकार कर दिया था। सर मैंने आपको पहले भी बोला था, ऐसे साफ साफ मुझे याद नहीं, क्योंकि वो कभी पूरी तरह सामने नहीं आता था। ये कौन है मैं इसे नहीं जानती। नमस्कार बाबू। बराबर देख ले, पुलिस ढूंढ रही है इसे, उससे पहले तुम्हें उसे ढूंढना है। अब टेंशन मत लो बाबू, हो जाएगा। सर उस स्टॉकर का पता चल गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस पर हमला हुआ है और इस वक्त उसका इलाज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। आदमी का नाम सुनील है और उस पर चाकू से वार किया गया था। अतड़िया बाहर आ चुकी थी, वो खुद अपने पेट को समेट कर यहां तक आया था। अब वो खतरे से बाहर है, अब उससे पूछताछ कर सकते हैं। थैंक यू। क्या नाम है तेरा? सुनील साहब। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अपन पैदल अपने घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में कौन है? तो क्या लगता है तुझे,
किसने हमला करवाया ये? अपुन का तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है साहब, अभी कुछ ही दिन हुए अपुन को पुणे आए साहब। ये औरत, इसका पीछा क्यों करता था तू? साहब इस औरत का चेहरा अपुन के रिश्तेदारी में एक औरत से मिलता है साहब, लेकिन तीन चार दिन पीछा करने के बाद अपुन को लगा कि ये वो औरत नहीं है, तो अपुन ने पीछा करना छोड़ दिया साहब। जब तुझे लगा कि तू इसे जानता है तो रोक के पूछना चाहिए था ना। अब साहब ऐसे कैसे रास्ते में किसी लेडीज से बात करता साहब? किसी लेडीज का पीछा कर सकता है लेकिन उसे रोक के पूछ नहीं सकता? और ये बच्चा, इसे जानता है? हाँ साहब, ये भी इसी औरत के साथ ही रहता था साहब, पर हुआ क्या है साहब? मर्डर, पहले इस बच्चे को किडनैप किया गया फिर मारा गया, और तू इस बच्चे को और इसकी माँ को फॉलो करता था, अब तेरे ऊपर अटैक हुआ है, क्या कनेक्शन क्या है? कोई कनेक्शन नहीं है साहब, अपुन तो बस एक आध बार इस औरत का पीछा किया साहब, अपुन तो इसको जानता भी नहीं। तू रहता कहाँ है, तेरी फैमिली में कौन कौन है? साई मंदिर के पास दूसरा गली में रहता है साहब, अभी 15 दिन पहले ही पुणे आया साहब, उसके पहले मुंबई में रहता था साहब, एक मोबाइल कंपनी में काम करता था। सर ये पक्का झूठ बोल रहा है, अगर इसने पीछा करना बंद कर दिया होता तो किशोरी महाजन कांस्टेबल रमाकांत के पास कंप्लेन करने क्यों आती? सर एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। कौन है आप जानते हैं उसे? अभी तो ये सुनील जोशी हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, क्योंकि इसे रोहन और उसकी माँ किशोरी का पीछा करते हुए देखा गया था, लेकिन इसका मोटिव नजर नहीं आ रहा है। एक काम करो, एक कांस्टेबल तैनात करो इसकी निगरानी के लिए, और हॉस्पिटल वालों से कहो कि जब इसे डिस्चार्ज दें पहले हमें इन्फॉर्म करें। फिलहाल के लिए पुणे में जहाँ ये रहता है उसके आसपास और मुंबई से इसका बैकग्राउंड चेक करवा। सर सर मैंने किशोरी और दिलीप के घर काम करने वाली मेड संगीता से बात की। क्या कहा उसने? मेरा नाम तो नहीं आएगा ना, नहीं तो मेरा काम छूट जाएगा। संगीता तू टेंशन मत ले, जो जानती है सच बता दे, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे को तो लगता है कि दिलीप साहिब रोहन बाबा से प्यार ही नहीं करते थे। बार 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 समझाना कि उसे खुद का काम खुद करने दो। कौन सा पाप किया था कि मुझे ऐसा ऐसा बेटा पैदा हुआ मेरे? जहाँ भी जाता हूँ लोग बोलते दिलीप भाव को लड़का देखो, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। मुझे अभी भी यही लगता है कि रोहन का कातिल दिलीप और किशोरी को कोई सबक सिखाना चाहता था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दिलीप ने ही अपने बेटे रोहन की सुपारी सुनील को दी हो, और काम खत्म होने के बाद सुनील को रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि कोई सबूत ना बचे? अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता, सारे एंगल्स ओपन रखो। ये पता लगाओ कि सुनील जोशी और दिलीप महाजन का आपस में कोई कनेक्शन है क्या? तब तक मैं किशोरी से बात करता हूँ। सर कौन सा बाप अपने बच्चे से उम्मीदें नहीं बांधता? वो रोहन को अपनी तरह काबिल बनाना चाहते थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो अपने बच्चे को मार देंगे। देखिए मैं आपसे एक सीधा और सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, क्या दिलीप सुनील पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं? क्या रोहन की हत्या इससे जुड़ी है? आप लोग कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, मेरा बेटा मुझसे छिन गया है, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, और आप लोग हमें परेशान कर रहे हैं, मेरे पति पर शक कर रहे हैं। देखिए किशोरी जी, हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, आपके बेटे के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। क्या आपके पति दिलीप सुनील पर जानलेवा हमला करवा सकते हैं? क्या वो रोहन की हत्या करवा सकते हैं? कितनी बार कहूं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ उनका गुस्सा तेज है, लेकिन मुझसे बेहतर उन्हें कोई नहीं जानता। अगर वो नहीं होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। आप ही सोचिए, जिसने मेरी जान बचाई, मुझसे शादी की, मुझे सहारा दिया, वो भला अपने बेटी की जान कैसे ले सकता है? अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। He is fit now. हम उसे डिस्चार्ज दे रहे हैं, आगे आप देख लीजिए। अभी के लिए तुझे जाने दे रहे हैं, लेकिन ये मत समझना हमारी नजर नहीं रहेगी तुझ पे। हमें बिना बताए तो शहर से बाहर नहीं जा सकता, और रोज थाने आना पड़ेगा तुझे हाजिरी देने के लिए, समझा? ठीक है साहब, अपुन आ जाएगा रोज आपसे मिलने, अभी चलता है। सर, पिछले कुछ दिनों में आसपास के एरिया में जो कंकाल के अलग अलग टुकड़े मिलने के कंप्लेंट आ रहे थे, उसमें आज एक और बढ़ोतरी हुई है। किसी गाड़ी के नीचे कंकाल का सर मिला है। अभी तक जितनी भी हड्डियां मिली हैं सबको FSL लैब में टेस्टिंग के लिए भिजवाओ और रिपोर्ट मंगवाओ।
सर दिलीप महाजन के बारे में एक बात पता लगी है। सर दिलीप ने हिस्ट्री शीटर दगलू सावंत को सुनील को मारने की सुपारी दी थी। नमस्कार बाबू। क्या सब अंदर आ जाओ। आ जा गणेश। सब कल रात को मैंने सुनील का पीछा किया, वो जंगल में गया था, वहाँ एक गड्ढे के पास जाके खड़ा हो गया और काफी परेशान लग रहा था सब। ये सुनील मुझे शुरू से ही गड़बड़ लग रहा है। जब पहले हमने उससे दिलीप के बारे में पूछा था तो उसने कहा कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो दिलीप ने उसे मारने की सुपारी क्यों दी? दिलीप और सुनील दोनों को उठा और साथ में उस हिस्ट्री चीटर को, क्या नाम है उसका, दगड़ू सावंत। क्या मैं जान सकता हूँ मुझे इस तरह यहाँ लाने का क्या मतलब है? सुनील जोशी से किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? साहब अब उनका दिलीप महाजन के साथ कोई झगड़ा नहीं है। अच्छा, रोहन को मारने की सुपारी के पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था? सर तुम क्या डोका फिर लेते हैं? मैं अपने रोहन को मारने के लिए सुपारी दूंगा? मामला बिल्कुल साफ है, तुम्हें रोहन पसंद नहीं था, उसका ना बोलना तुम्हें खलता था और तुम जानते थे कि सुनील रोहन और उसकी माँ का पीछा करता है। तुमने उसका इस्तेमाल किया, सुनील के हाथों अपने बेटे को मरवाया और तुम्हारा राज सामने ना आए इसलिए तुमने सुनील की भी सुपारी दी। अपन बहुत सीधा साधा आदमी है साहब, मुंबई में मोबाइल कंपनी में काम करता था, इधर पुणे में अपना दुकान खोलना चाहता है। साहब अपन कौन सा एंगल से आपको सुपारी लेने वाला लगता है साहब, और वो भी छोटे बच्चे की? सर आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? मेरा बच्चा मरा है सर, और उसके कातिल को पकड़ने के बजाय आप मुझ पर शक कर रहे हो, बार बार एक ही बात दोहरा रहे हो कि मैंने अपने रोहन की सुपारी दी उस सुनील को मारने के लिए। सर मैं हजार बार कह चुका हूं कि मैं नहीं जानता हूं ये कौन है, सुनील पुनील जो भी है। नहीं जानता ना सुनील को? नहीं। ठीक है, अब भी तू यही कहेगा कि तू सुनील को नहीं जानता? बोल। हाँ हाँ दी मैंने सुपारी, लेकिन उस साले की किस्मत अच्छी थी कि बच गया साला, लेकिन अगर दोबारा मुझे मौका मिलेगा ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा सर उसे। फोन कैसा भी था लेकिन मेरा अपना खून, बहुत बहुत प्यार करता था मैं उसे, अब भी करता हूँ। एक तरफ तो तू अपने बेटे से परेशान था कि समाज में तेरा नाम खराब हो रहा है, दिलीप बाहू का बेटा बोल सुन नहीं सकता, तो अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? देख मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सच सच बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ, आप चाहे तो उनसे तगड़ों से पूछ लीजिए। हम उस तक पहुंचे उससे पहले कोई किसी और ने उस पर हमला कर दिया। हाँ साहब, और मैंने भी बोला ना साहब आपको कि मुझे सुपारी मिली थी लेकिन मेरे से पहले किसी और ने काम कर दिया। क्या लगता है सर आपको, गिदरीप सच बोल रहा है? कुछ कहा नहीं जा सकता सुहास, आज के जमाने में इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, ऐसे में हमारा काम और कठिन हो जाता है। दिलीप और सुनील इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, शायद कुछ सुराग मिले। वेट सर, सर एफएसएल से रिपोर्ट आ गई है, इतने दिनों से जो हड्डियां यहां वहां मिल रही थी वो किसी एक ही आदमी की, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 के बीच है, और सर ये हड्डियां 9 साल पुरानी है। एक ही आदमी की? कोई 9 साल बाद इन हड्डियों को गड्ढे से निकालकर यहां वहां क्यों फेंक रहा है? सर ये सुनील भी 9 साल बाद यहां आया, मुंबई में था यार, एक फैक्ट्री में, मोबाइल की फैक्ट्री में। और गणेश ने सुनील को जंगल में एक गड्ढे के पास खड़े देखा था। सर यही वो जगह है जहां मैंने सुनील को देखा था। एक और हड्डी? सर 9 साल बाद इस तरह से हड्डियों को बाहर निकाला गया है, आखिर को करना क्या चाहता है? अपने राज को हमारे सामने आने से रोकना चाहता है। आसपास चेक करो सुहास। ये तो किसी कार या टेम्पो के टायर के निशान है, और गाड़ी इस तरफ से आई इसी तरफ वापस गई, और ये रास्ता तो आगे जाके बहुत खराब है। इसका मतलब है इस रूट का जानबूझ के इस्तेमाल किया गया ताकि कोई किसी की नजर में ना आए। हाँ सर, क्योंकि इस रास्ते से तो बड़ी आसानी से आ जा सकता है। आसपास की सभी दुकानें, पेट्रोल पंप, ढाबे, टैक्सी और टेम्पो स्टैंड, हर जगह पूछताछ करो, हर जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, हो सकता है किसी ने इस रास्ते से किसी गाड़ी को आते जाते देखा हो। किशोरी को स्टॉक करना, रोहन का किडनैप होना, उसका मर्डर और अब ये गड्ढा, इन सब में एक ही चीज कॉमन है, वो है सुनील। इस सुनील को एक बार फिर उठाओ,
और पिछले 9 सालों के जितने भी अनसॉल्व मिसिंग केसेस हैं सबकी फाइल मंगवा और इस हड्डी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजो। पुणे पुलिस 9 साल पुराने कंकाल के अवशेषों के मिलने और 7 साल के रोहन महाजन के मर्डर के बीच की कड़ी को सुलझाने के बहुत करीब थी। FSL यानी कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने 9 साल पुराने गुमशुदा लोगों के केसेस को चेक किया और 2 लोगों की पहचान हुई। सर, 9 साल पुराने जितने भी अनसॉल्व मिसिंग केसेस हैं उसमें से ये केस हमारे प्रोफाइल से मैच करता है। 28 साल का गोकुल कदम। गोकुल कदम, इसकी फैमिली से मिलो, पता करो 9 साल पहले की इसकी क्या कहानी। राइट सर। हाँ सर। तू तो कह रहा था शादी नहीं करेगा। अरे यार, करनी पड़ रही है, बाबा नहीं मान रहे थे। किशोरी की शादी 9 साल पहले इस गोकुल के साथ हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद यानी 21 मई 2010 को गोकुल घर से ये कह के निकला कि वो मुंबई को भाड़ा लेकर जा रहा है और आज तक घर वापस नहीं लौटा। ये किशोरी, सुनील और दिलीप, इनके बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। तुम गोकुल के पिता को DNA सैंपलिंग के लिए लेके जाओ, इन तीनों से मैं निपटता हूँ। साहब, मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला क्या? देखिए, हमें कुछ हड्डियाँ मिली हैं, एक बार आपका DNA सैंपल मैच करा के देखते हैं, शायद जवाब मिल जाए। सर, सुनील कल से हाजिरी पे नहीं आया। मैं उसके घर पे गया था, वहाँ पे भी नहीं है, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मेरे बेटे के कातिल का मिलना तो दूर, अब मेरी पत्नी भी गायब हो गई, फोन भी बंद आ रहा है उसका। क्या, कितने बजे निकली तुम्हारी पत्नी घर से? 2 बजे, नहीं 1 बजे। एक के बाद एक सारे हाथ से तुम्हारे घर में क्यों हो रहे हैं? कहीं किशोरी को तुमने ही तो गायब नहीं किया है? मेरे बेटे के कातिल को ढूंढने के बजाय, मेरी पत्नी को ढूंढने के बजाय आप मुझे ही सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। सर, वही बीवी जिसकी 9 साल पहले भी एक शादी हो चुकी थी और फिर एक दिन अचानक उसका पति गायब हो जाता है और फिर 1 साल के इंतजार के बाद तुम उसकी मांग में सिंदूर भर देते हो। तुमने क्यों शादी की उससे, क्या वजह थी? मुझे जो सही लगा वो किया मैं। मैं बताता हूँ कि तुमने किशोरी से शादी क्यों की। तुम पहले से ही किशोरी को पसंद करते थे, या शायद तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। बस उसके पति को मार दिया और कर ली शादी। और अगर रोहन की बात करें तो वो बेचारा बोल सुन नहीं सकता था, तुम उस पर भी अपना गुस्सा उतारते थे, उसे दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते थे और अपने इसी गुस्से की वजह से तुमने एक दिन उसे मार दिया। और जब ये बात किशोरी को पता चली तो तुमने किशोरी को भी गायब कर दिया, या उसे भी। मुझे जाने दो। जिस जंगल के गड्ढे से गोकुल कदम के अवशेषों को निकाला गया था, पुलिस ने हाईवे से उस जंगल को कनेक्ट करती हर सड़क पर लगे CCTV कैमरा के फुटेजेस को घंटों घंटों बैठकर देखा और एक CCTV फुटेज में उन्हें एक टेम्पो जंगल की तरफ जाता और फिर वापस आता दिखाई दिया और ये टेम्पो किसी पकिया नाम के आदमी का था। और वे पकिया, दाल चावल कैसा है? मुंह खोलने के लिए और टाइम चाहिए तो बाद में आता हूं। सब बताता हूं साहब, सब। एक आदमी ने मेरा टेम्पो किराए पे लिया था। इन दोनों में से कौन था? में से कोई नहीं था साहब। तो बोल कौन था? सर, सर 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन आई थी, कोई भी तो नहीं है मैडम। पर दिलीप ने हिस्ट्री शीटर दगड़ू सावंत को सुनील को मारने की सुपारी दी थी। आप लोग यहाँ पे? हमें नहीं पता था हमारे बीच रहकर इतना बड़ा खेल खेलने वाला हमारा अपना ही आदमी है। सुहास, तलाशी लो घर की। खोलो।
अब सिर्फ सच बोलना बेहतर होगा तेरे लिए। बोल, 9 साल पहले गोकुल और अब रोहन को क्यों मारा, और सुनील और किशोरी को बंदी बना के क्यों रखा था, उनके साथ क्या संबंध है तेरा? सब बताता हूँ, लेकिन सर एक बात है कि मैंने रोहन को नहीं मारा है। बाकी सब कुछ बताता हूँ, किशोरी और मेरे भी संबंध थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रमाकांत, किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? शादी कर ले उससे, लेकिन सोना मत, आगे जो करना है वो मेरे पर छोड़ दे। अगर उसके साथ सोई ना तो फिर देख लेना। जाति अलग होने की वजह से घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते थे। फिर एक दिन किशोरी के पिता ने गोकुल से उसकी शादी कर दी। हमने पहले ही तय कर लिया था कि शादी भले ही गोकुल से हो जाए, लेकिन वो रहेगी सिर्फ मेरी, और वक्त आने पर हम शादी कर लेंगे। मैंने रमाकांत की बात मान ली और तय कर लिया कि मैं गोकुल से दूर ही रहूंगी और उसे भी अपने करीब नहीं आने दूंगी। अब आज क्या हुआ है? सर दर्द है। एक और बहाना, 15 दिन हो गए हमारी शादी को, अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की? सर मैंने ही एक फर्जी नंबर से गोकुल को फोन किया और उसकी टैक्सी मुंबई के लिए बुक की। तुम टैक्सी चलाते हो ना? हाँ साहब, मुंबई जाना है। चलेंगे ना साहब? रात तक वापस आ जाएंगे। मुंबई का भाड़ा है, मैं बस यूं गया और यूं आया। जब वो उस जगह पहुंचा तो मैंने सुनील के साथ मिलकर उसको मार दिया। मैंने गोकुल की गाड़ी तालाब में धकेल दी थी, सब कुछ रफा दफा हो गया था, सुनील मुंबई चला गया था, पर मैं और किशोरी एकदम से शादी नहीं कर सकते थे। कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर शक जा सकता था। मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया, मैं ट्रेनिंग के लिए चला गया। मेरी ट्रेनिंग के दौरान किशोरी के पिता ने उसकी ज़बरदस्ती दूसरी शादी करा दी थी। हमारे अंदर दोबारा से किशोरी की शादी तोड़ने की हिम्मत नहीं थी। फिर 9 साल बाद हमारी ज़िंदगी में सुनील वापस आ गया। उसने किशोरी का पीछा करना शुरू कर दिया और उसको ब्लैकमेल करने लगा। मुझे 5 लाख रुपए दे दे और अपनी गृहस्थी बचा ले और मेरी बसने दे, वरना मैं ऐसे ही तेरा पीछा करता रहूंगा और घर पहुंच जाऊंगा। किशोरी मुझसे मिलने थाने आई। किशोरी तुम? सुनील वापस आ गया और ब्लैकमेल कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, कुछ करो रमाकांत। वो कंप्लेन करने के बहाने थाने आई और पीछे से अपने पति दिलीप को भी बुला लिया ताकि किसी को शक ना हो। फिर मैंने सुनील को मरवाने के लिए उस पर हमला करवाया, लेकिन वो बच गया। फिर मैंने झूठी कहानियां बनाकर शक की सुई दिलीप महाजन की तरफ घुमा दी। बराबर देख ले, पुलिस ढूंढ रही है इसे। आप टेंशन मत लगाओ, हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की कि पुलिस सुनील को ना छोड़े, लेकिन उसके खिलाफ सबूत ना मिलने के कारण उसको छोड़ना पड़ा। मुझे पता था कि वो गोकुल की बॉडी को लेकर मुझे अब ब्लैकमेल करेगा, इसलिए मैंने 9 साल पहले दफन की हुई गोकुल की बॉडी को निकाल लिया और कंकाल के टुकड़े इधर उधर फेंक दिए। सुनील के लिए मेरा शक यकीन में बदल गया जब मैंने उसे गड्ढे के पास देखा। मैंने सुनील को उठाया और बंदी बनाया और उसको समझाया कि वो चुप रहे, लेकिन वो नहीं माना, तो इसलिए मैंने उसकी जबान ही काट दी। और किशोरी के अपहरण के पीछे का क्या ड्रामा है? वो मुझसे मिलने आई थी, लेकिन वो गन ले आई। उसे लग रहा था इन सब के पीछे का जिम्मेदार मैं हूँ। अपने बच्चे के अपहरण से वो हताश हो चुकी थी। उसने बिना मुझसे पूछे आप लोगों से कंप्लेंट कर दी। रोहन की हत्या और सुनील के पीछे पड़ जाने के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी। मुझे डर था कि वो अपने बच्चे के गम में सारी सच्चाई आपको ना बता दे, इसलिए मैंने उसको भी किडनैप किया। तूने सारा माहौल इस तरीके से तैयार किया कि हमारा शक दिलीप पे जाए और ये मामला हमेशा के लिए बंद हो जाए, पर तू भूल गया कि हम पुलिस वाले राख से भी आग निकाल लेते हैं। अगर इतना दिमाग ईमानदारी से पुलिस की नौकरी करने में लगाया होता ना, तो नौकरी और जिंदगी दोनों बच जाते। रोहन की हत्या का सच क्या है? तू और रमाकांत अब उनको बहुत हल्के में ले रहे थे ना, मार दिया अपुन तेरे बेटे को। सुन, अभी भी अगर तुम लोग बाज नहीं आए ना तो अपुन तो फंसेगा ही, लेकिन तेरी पोल भी खोल देगा। अभी अपुन को 5 लाख नहीं 10 लाख चाहिए, वरना अपुन तेरे पति को बता देगा कि तेरा एक कातिल के साथ चक्कर था और तूने ही अपने आशिक के हाथों अपने पहले पति को मरवाया। फिर जब मैंने ये बात रमाकांत को बताई
तो उसने सुनील पर जानलेवा हमला किया। क्या कर? मैं नहीं जानती थी कि 9 साल पहले किया गुना मेरी जिंदगी में वापस आकर तबाही मचा देगा। जुर्म चाहे कितनी भी चालाकी से किया जाए, कितना भी छुपाया जाए, लेकिन एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। आत्महत्या करने की कोशिश ढोंग था क्या? मेरे साथ इतनी जिंदगी गुजारने के बाद इतना सब कुछ छुपाया तो मुझे एक बार कहा होता, एक बार तो आज हमारा रोहन ना जिंदा होता। किशोरी, लेकिन तुम्हें तो ना मुझसे प्यार, रोहन से और ना ही रामी से। ये सब झूठ है, मुझे आपसे सच्चा प्यार है और इसी सच्चे प्यार को खोने के डर से मैंने आपसे सब कुछ छुपाया। मुझे माफ कर दो। अगर इंसान सही और गलत का फर्क समझ ले, भले और बुरे को जान ले, तो जुर्म का ख्याल आने से पहले ही उसके कदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब इस सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोच को कुचल दिया जाता है तो अपराध की दहलीज पार करते हुए समय नहीं लगता और फिर अपराध नए नए रूप में जन्म लेता है। किशोरी ने गोकुल से शादी तो कर ली लेकिन निभा नहीं पाई, उल्टा पीछा छुड़ाने के लिए अपराध के दलदल में फंस गई। वो चाहती तो अपने बनाए इस चक्रव्यूह से गोकुल को अपना कर खुद को आजाद कर सकती थी, लेकिन उसने आजादी के लिए अपराध का दामन थामा और अंजाम आप सबके सामने है। इसलिए सोचें, समझें और जीवन के हर मोड़ पर सही फैसला लें, ऐसा फैसला जो आपके जीवन चक्र को सुखद बनाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।